वेलकम टू ऑल आप सभी लोगों का स्वागत है ए एन की मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग जैसे 1000 थाउजेंड एम की सीरीज कर रहे थे आज हम उसके अगले पार्ट पे हैं इससे पी वी एस सोचू के सेशन्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप लोग वहाँ पे जाके उन्हें विजिट कर सकते हैं तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज काइंड ऑफ डेप्रिशिएशन एक्सपेंस इसमें से कौन सा डेप्रीशिएशन का एक्सपेंस होगा तो इसका जवाब होगा दोनों ही देखिए एक सीधी सी बात है अगर मूल्य में कमी होती है या जो डिक्रीमेंट का पार्ट जुड़ता है तो वो हमारा क्या होता है डेप्रिशन का एक पार्ट होता है अगर कोई ट्रांजेक्शन हम भूल गए हमने उसे करा ही नहीं तो सीधी सी बात है क्या उसका ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ेगा तो ये एरर ऑफ ऑमिशन कहलाएगा अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन लिखा ही नहीं तो ना तो उसकी जनरल एंट्री होगी ना उसका लेजर बनेगा और ना ही उसका भी ट्रायल बैलेंस बनेगा तो इसका जवाब है सर ट्रायल बैलेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नो इफेक्ट अगला विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एज द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इसमें से कौन से अकाउंट जो कि नॉर्मल बैलेंस के होते हैं क्रेडिट साइड शो होते हैं ट्रायल बैलेंस के देखिए क्रेडिट साइड और ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस के कहाँ पे क्रेडिट साइड में तो एक बात समझिएगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट बैंक अकाउंट इक्विपमेंट अकाउंट एसेट्स एक्सपेंस अकाउंट तो ये सभी आप लोग हैं ये सभी तो आपकी एसेट्स हैं है ना अब ये भी आ, बात सब सभी एसेट्स हैं आप लोगों की अब लेकिन एक्वर्ड एक्सपेंस क्या होंगे ये आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी तो ये क्रेडिट साइड में शो होगा ठीक है अगला नॉर्मल बैलेंस कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है ये आप लोगों का क्या होता है क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस देखो डेबिट बैलेंस आपका एसेट्स का निकलता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा क्रेडिट बैलेंस निकलेगा ठीक है चलिए विचार द फॉलोइंग इज नॉट ट्रूब अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के मैंने क्या ट्रू नहीं है क्रिएट द फ्यूचर बेनिफिट्स आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर लो तो आपको फ्यूचर को बेनिफिट्स देगा एसेट्स को बढ़ाएगा और सीधी सी बात है आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी आपकी ग्रोथ होगी मतलब आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी लेकिन यह आपके प्रॉफिट को कम कर देगा ये ऐसा नहीं है ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में फ्यूचर में हेल्पफुल होता है ठीक है ये कोई कम नहीं करता है ये खर्चा वो हो यही होता है लेकिन यह कम नहीं करता है विचार द फॉलोइंग डज नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट बैलेंस शीट में क्या चीज शो नहीं होती है तो जब इसका जवाब होगा रेंट एक्सपेंस रेंट

वैन विल बी दिल मेच्योर इन द डेट ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ द बिल ऑफ द हॉलीडे अगर मान लीजिए डेट ऑफ मेच्योरिटी है हम जो तीन अनुग्रह दिवस देते हैं अगर मान लीजिए हमने वो सब दे दिया और उस दिन हॉलीडे पड़ गया तो फिर डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होगा तो हॉलीडे के जस्ट पहले वाला दिन माना जाएगा प्रिसेंडिंग वर्क इनडे ठीक है जो भी हॉलीडे है उसके जस्ट पहले वाला मान लीजिए अब नेशनल हॉलीडे पड़ गया दो अक्टूबर का तो एक दो अक्टूबर को मान लीजिए मेच्योरिटी देता तो वो कब माना जाएगा एक अक्टूबर को इन एन अकाउंट वैन क्रेडिट साइड टोटल इज लेस देन द डेबिट साइड यानी कि डेबिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको ऐसे बैलेंस को क्या बोलते हैं बताइए तो ऐसा बैलेंस आप लोगों का क्या कहलाता है नेगेटिव डेबिट पॉजिटिव या क्रेडिट तो उसका राइट आंसर होगा डेबिट बैलेंस कहलाएगा ऑब्वियस सी बात है सर डेबिट बैलेंस ठीक है अगला डबल एंट्री जो होती है वो क्या करती है सर डबल एंट्री सीधी सी बात है हर किसी एंट्री के दो एंड वो होते हैं एक सेम अमाउंट में डेबिट होगा और सेम अमाउंट में क्या होगा क्रेडिट होगा तो रिकॉर्डिंग द टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन हर किसी के दो मेंटेन करती है डबल एंट्री कैश बुक ठीक है और अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट दिखा देना यार इसी तरह के सेशन आते रहते हैं उन सेशन से बहुत मेहनत लगती है तो एक बार थोड़ा थम्सअप कर देना सभी लोग थैंक यू थैंक यू सो मच